सोलन में कोरोना कर्फ्यू ने व्यवसाय की पूरी तरह से चूल्हे हिला दी, जिसके कारण सभी व्यवसायी, छोटा हो या बड़ा, सभी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार व्यवसाय को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते बाजार खोलने के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। पहले ये ढील केवल 4 घंटे की थी, फिर बढ़ाकर 8 और अब 14 घंटे कर दी है। लेकिन उसके बावजूद धन के प्रसार की कमी से व्यवसाय उठ नहीं पा रहा है, जिसके चलते सोलन का व्यवसाय बेहद हताश नजर आ रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी व्यवसाय को पटरी पर आते आते काफी समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर ढील की वजह से ग्राहक के साथ साथ व्यवसाय भी कोरोना के खौफ से निकल नहीं पा रहा है। कोरोना का खौफ सोलन वासियों के दिल पर इस कदर बैठ गया है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दे रहा है, लेकिन व्यवसायी इस ढील को कम करने की बात कह रहे हैं। जो व्यवसायी रविवार को भी दुकानें खोलने की फिराक में रहते थे और 24 घंटे की व्यवसाय के लिए कम आंकते थे, कोरोना के खौफ से अपने संस्थान को केवल कुछ घंटों के लिए खोलना चाह रहे हैं। व्यवसायियों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया है, ढील बढ़ाने का भी उनके व्यवसाय पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है, इसलिए वे चाहते हैं कि इस समय को कम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोग ढील का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण बाजारों में भीड़ तो है लेकिन ग्राहक नदारद है। सर, ऐसा है, इस समय से तो हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि अगर 8 बजे से 6 बजे तक का अगर किया टाइम लिया जाए तो उसमें बहुत बेस्ट है, क्योंकि लोग नहीं आते हैं, कम आने हैं। अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो लोगों का भी वो है कि आना जाना बढ़ेगा, और इससे ही हमारी आगे जो कोरोना है वो सबसे ज़्यादा फैल जाएगा। और जैसे कि अब समय किया गया है, क्या इससे आपका आपके समय में आपके कार्य में कोई बढ़ोतरी हुई है? सर, नहीं, क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं होगा तो काम भी कैसे चलेगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना मार्केट में घूमें, और आजकल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी अपने घर में नहीं टिक रहे हैं, और उनके लिए खुला समय मिल जाएगा। तो हम मैं ये यही चाहती हूँ कि कम से कम टाइम मिले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आने वाले 15 दिनों में हालात कहाँ जाते हैं, हमारे पेशेंट्स हैं अब ये जो कोरोना पॉजिटिव लोग कितने होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ हालात जाते हैं, उस हालात को वो मद्देनज़र रखते हुए अभी इस टाइम को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। इसको आने वाले 15 दिन में बेशक बढ़ा देते 15, क्योंकि आजकल ना तो लोगों की इतनी आवाजाही है, ना इतना ग्राहक है, इतना काम भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हैं ये 8 से 5, मतलब 7 से 5 बजे तक सफिशेंट था। अभी इससे क्या है कि इससे लोग बेकार में घूम रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कई दिनों से घर में उबे थे, वो बिना सोचे जब निडर होके बेकार बैकऑफ चले गए हैं मार्केट के अंदर, उससे स्थिति बिगड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर हम बात करें काम की, काम में क्या कोई बढ़ोतरी आई है? नहीं, काम में अभी तो देखो, अभी तो लोगों के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आजकल काम ही नहीं था, पिछले 2-3 महीनों से लोग घर में बैठे हैं। तो अभी तो देखो जो ज़रूरी का सामान है, जैसे कि राशन का है, सब्जी वालों का है, या कोई बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उसका तो खैर काम में 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जैसे अब हम लोग हैं, अब मैं माइक्रो आर्टिस्ट हूँ, तो हमारे काम में तो अभी बढ़ोतरी होते होते टाइम लगेगा, सुधार आते आते 2-3 महीने भी लग सकते हैं। मे भी अभी स्कूल नहीं खुले हैं, कोई कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ ऐसा है, तो अभी काम के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि काम कहाँ तक। बिल्कुल सही है जी, 6 से 8 का समय ये है कि जो गांव से आते हैं, जिनको बस से आते हैं, गांव से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, किसी भी तरह से आते हैं, तो उनको आने जाने की भगदड़ नहीं मची होती है। वो अपना आराम से आते हैं, अपना काम करते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंगली वापस अपने घर चले जाते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो उससे पहले ये था कि जब 4 बजे तक खुलती थी तो 3 बजे लोग अपने फटाफट जल्दी 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 हफड़ा दफड़ी करके अपने घरों में भागते थे, कुछ जल्दबाजी में मास्क भी नहीं लगाते थे कोई कुछ, मगर अब ये है कि सबने प्रिकॉशन पूरा रखा हुआ है।